हेलो फ्रेंड्स, मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया अपने पैर पसार रहा है और यह सब मच्छर जनित रोग है। तो आइए जानते हैं कि आप किस प्रकार से इन मच्छरों की पहचान कर सकते हैं। डेंगू बुखार, चिकनगुनिया और पीले बुखार का जिम्मेवार मच्छर का नाम एडीज एजिप्टी है। यह मच्छर लगभग 4 से 7 मिलीमीटर का एक छोटा गहरा मच्छर होता है, जिसके पैरों पर विशिष्ट सफ़ेद निशान होते हैं। फीमेल मेल की तुलना में बड़ी होती है और मानव का खून चूसती है, क्योंकि फीमेल को अपने अंडे को परिपक्व करने के लिए खून की आवश्यकता होती है, जबकि नर मच्छर मनुष्य या जानवरों को नहीं काटते हैं। यह एडीज एजिप्टी मच्छर केवल दिन में ही काटते हैं। इसका मतलब है कि मच्छर दिन के उजाले के दौरान सूर्योदय के लगभग 2 घंटे और सूर्यास्त के कई घंटे पहले तक सक्रिय रहता है। यह मच्छर ज़्यादा ऊंचा नहीं उड़ पाता है, इसलिए यह आमतौर पर टखनों और कोहनी तक काटता है। अंडे से वयस्क मच्छर बनने तक का पूरा चक्र 7 से 8 दिनों का होता है और एक वयस्क मच्छर का जीवन काल लगभग 3 सप्ताह का होता है। एडीज एजिप्टी मच्छर गर्मियों में पैदा होते हैं और सर्दियों के मौसम तक जीवित नहीं रहते हैं। और यदि हम बात करें मलेरिया के मच्छर की, तो मलेरिया के मच्छर का कारक मादा एनोफिलीज मच्छर है। इस एनोफिलीज मच्छर का शरीर गहरे भूरे से काले रंग का होता है। एक बैठे हुए मलेरिया मच्छर प्रजाति का जो पीछे का हिस्सा है, वो सतह से थोड़ा ऊपर उठा हुआ रहता है या ऊपर की ओर पॉइंटेड होता है, जबकि अधिकांश मच्छर आसपास की सतह के साथ सीधे बैठे रहते हैं। एक मादा एनोफिलीज मच्छर अपने छोटे से जीवन काल में कई बार संभोग करती है और व्यक्ति का खून चूसने के बाद अंडे देती है। हालांकि यह केवल कुछ हफ्तों से लेकर 1 महीने तक ही जीवित रहती है, फिर भी वह उस दौरान हजारों अंडे देने में सक्षम होती है। क्षेत्र के तापमान के आधार पर अंडे को पकने में 2 दिन से लेकर 3 सप्ताह तक का समय लगता है। इसका जीवन काल अंडे से लार्वा, प्यूपा और एडल्ट मच्छर में होता है। लार्वा को विग्लर्स के रूप में जाना जाता है और प्यूपा को टम्बलर के रूप में जाना जाता है। इसकी गोल कोमा जैसी आकृति इसकी गति को आसान बनाती है। ये प्यूपा सांस लेने के लिए पानी की सतह पर आते हैं और 1 से 2 दिनों के बाद एक वयस्क मच्छर बन जाते हैं। थैंक यू।